मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल होटलों वाली दाल चना फ्राई, और वो भी बिल्कुल इजी तरीके से बनाऊंगी। बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट्स हैं, झटपट बनने वाली, 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। मेहमान आए हैं और अगर घर में कुछ नहीं है तो जल्दी से ये दाल फ्राई करें और होटल की रोटी मंगाएं और इन्जॉय करें। बहुत मज़ेदार बनी है, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जी। तो सबसे पहले हमें ले लेनी है रेसिपी के लिए चने की दाल। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल यानी ढाबा स्टाइल दाल चना फ्राई। मेरे स्टाइल में सबसे पहले आपको ले लेनी है 2 प्याली दाल, यानी कि तकरीबन 1/2 kg यहाँ पे मैंने दाल ली है हमारी फैमिली के हिसाब से। उसके बाद मैं यहाँ पर रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ, प्याज वगैरह और टमाटर चॉप कर रही हूँ। आपको बारीक बारीक चॉप कर लेने हैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। और आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, और बनानी तो दाल थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह की दाल बनाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चना फ्राई कर लेती हूं और अपने व्यूवर से भी शेयर करती हूं कि मैं किस तरह से बनाती हूं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही झटपट है, एकदम से क्विकली आपकी सिर्फ दाल गलने की देर है और आपका जो रेसिपी है आपकी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसको होटल की रोटी से खाएं, घर की चपातियों से खाएं या चावल से खाएं, बहुत मज़े की लगती है। तो सबसे पहले आपको ले लेनी है बॉयल हुई हुई, ये फुल डन हुई हुई है लेकिन ये टूटी हुई नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है टूटे नहीं और फुल डन हुई हुई हो, उबली हुई हो दाल। उसके बाद इसको बॉयल करके हमें साइड में रख लेना है, और साथ साथ हमें ले लेना है यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है, हमें प्याज चॉप हुई हुई लेनी है। हमें 1 बड़ी प्याज ली है मैंने यहाँ पर और इसे चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, और उसके साथ साथ हमें टमाटर ले लेने हैं तकरीबन 4 अदद, यानी कि आप 1 पाव का हिसाब रख लें, 1 पाव टमाटर में तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लेने हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें रख ली है हमें, वो हम एंड में डालेंगे। स्पाइसेस में हमें लेना है यहाँ पर 1 चम्मच बड़ा ही टेबल स्पून का हिसाब बता रही हूँ, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक लिया है मैंने, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। साबुत धनिया लिया है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने इसमें गरम मसाला और जीरा बघार के लिए लिया है। लहसुन अदरक के 3 क्यूब्स ले लिए हैं मैंने, ये मैं फ्रीज करके रखती हूँ, मतलब ये अंदाजन 2 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये गार्निशिंग के लिए मैंने लिए हैं जुलियन कट अदरक और हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो बस इतने फ्यू इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे आज ढाबा स्टाइल दाल चना फ्राई, और उसके बाद जो है ना बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। दाल उबालने रख दें जब तक ये सारी चीज़ें कटिंग कर लें, और 10 मिनट लगेंगे आपकी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी बर्तन ले लें, कढ़ाई लेनी है कढ़ाई ले लें या पतीले में बना लें, जिस तरह से चाहे पैन में बना लें, ये डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पर कि कितनी क्वांटिटी में आप बना रही हैं। सबसे पहले ऑयल ले लें, ऑयल मैंने तकरीबन इसमें 1 पाव के बराबर लिया है, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल है तो आपको पता है कि ढाबे पर या रेस्टोरेंट्स में जो ऑयल होता है उसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होती है। घर में बना रही तो कुछ कम भी कर सकती हैं, हेल्थ के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो है ना आपको ऑयल ले लेना है, मैंने इसमें 2 डोंगे होते हैं मेरे ऑयल में, वो मैंने भर के डाले हैं, उसमें जीरा डाला है, और उसके बाद जो है मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया है। जैसे प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, बस पिंक करना है हमें इसे, और उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। ये फ्रोजन क्यूब्स हैं, बहुत ही जल्दी 2 मिनट भी नहीं लगते और ये घुल जाते हैं अच्छे से। इनको दोनों को फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल भी डार्क नहीं करना कलर, हमें कलर पर बहुत ध्यान देना है, बिल्कुल येलो येलो खिली खिली और खूबसूरत सी दाल बन के जाएगी अगर आप प्याज का कलर डार्क नहीं करेंगे तो। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर को बिल्कुल बारीक कट करेंगे, जितना बारीक कट करेंगे, पीसना नहीं है टमाटरों को, बस कट करना है। बारीक कट करेंगे तो जल्दी बन जाएगा, और अगर बड़े बड़े काटेंगे तो फिर वो खड़े खड़े टमाटर रहेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, बहुत ही क्विक रेसिपी है। उसके बाद पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, बस आप इसको फ्राई करते जाएँ भूनते जाएँ यहाँ तक कि टमाटर बिल्कुल गल जाएँ। जब आपको ऐसा लगे कि मसाला भुन गया है, टमाटर भी गल गए हैं और तेल अच्छे से छूट गया है, तो उस टाइम पे हमें इसमें दाल ऐड करनी है। दाल डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, वरना दाल, क्योंकि हमारी फुल डन हुई हुई है तो दाल टूटना शुरू होगी, दाल टूटेगी तो जितना भी ऑयल है वो सारा दाल एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको बिल्कुल भी इसमें ऑयल नज़र नहीं आएगा। चने की दाल जो होती है वो ऑयल को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हम इसमें कितने भी ऑयल डाल दें अगर वो टूट जाएगी तो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बस हमें हल्का फुल्का यहाँ पर इसको चलाना है और 10 मिनट के लिए हम इसे पे रख देना है ताकि अच्छे से दाल में जितने भी मसाले स्पाइसेस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं। आखिर में हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और यहाँ पर हमारी दाल बनके बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, टेस्ट में भी बिल्कुल
मज़ेदार और बहुत ही अच्छी बनी है। नमक मिर्ची सब कुछ एकदम बराबर है और ये बन के चुकी है हमारी दाल। आई होप कि रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।